हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में स्टॉक मार्केट का क्या आउटलुक रहेगा। देखो, नो वन कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट। आज सिर्फ मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एनालिसिस करूंगा कि 2024 में स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा। देखो, 2024 में ना स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल होने वाला है। देयर विल बी वेरियस रीजंस ड्यू टू व्हिच स्टॉक मार्केट विल गो अप एंड डाउन इन जस्ट वेरी फ्यू डेज। इसके मेन चार रीजन है जो आज हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रीजन समझ लो, फिर मैं प्रेडिक्शन या फिर आउटलुक, मेरा आउटलुक बताऊंगा आप लोगों को। पहला पॉइंट है इलेक्शन। देखो, 2024 में ना बहुत सारे कंट्रीज के इलेक्शन होने वाले हैं। इंडिया, यूएसए, ताइवान, पाकिस्तान, रशिया और भी बहुत सारे कंट्रीज के इलेक्शन होने वाले हैं जो अफेक्ट करेगा मैक्रो इकोनॉमी को। और देखो, अगर मैक्रो इकोनॉमी अच्छी ना होना तो कंपनी कितना भी अच्छा बिजनेस कर ले, स्टॉक रिटर्न नहीं देने वाला। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी कंट्री में कौन सी सरकार बनती है। इंडिया में स्पेसिफिकली दो इलेक्शंस बहुत मैटर करेंगे। एक तो पहला इंडिया ऑफ कोर्स और दूसरा है यूएसए। यूएसए इसलिए क्योंकि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर यूएसए में प्रो इंडियन सरकार आती है तो इंडिया को फायदा होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। बट अगर यूएसए में नॉट सो फ्रेंडली सरकार आई तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया रशिया का ऑयल क्यों खरीद रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से ट्रेड इंपैक्ट होगा। एंड अगर इंडियन इलेक्शंस की बात करें तो मोस्टली बीजेपी जीतेगी, जो कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही स्टेट इलेक्शंस हुए थे, उसमें बीजेपी ही जीती। अगर बीजेपी जीती तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली निफ्टी 25,000 टच कर सकता है। बट अगर बीजेपी नहीं जीती या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट हुआ, जो कि बहुत कम चांसेस है, बट अगर ये चीज हुई तो स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे गिर सकता है, 20-30% नीचे गिर सकता है। इसलिए दोनों इंडियन इलेक्शंस एंड अमेरिकन इलेक्शंस दोनों अफेक्ट करेगा 2024 में स्टॉक मार्केट को। सेकंड है इंटरेस्ट रेट्स। अभी यूएसए में फेडरल रेट हो या इंडिया में रेपो रेट, अभी सब अपने ऑल टाइम हाई पे है। रेपो रेट क्या होता है? देखो, अगर जो कमर्शियल बैंक्स है जैसे HDFC, ICICI, SBI, ये बैंक्स लोन लेते हैं RBI से, तो RBI जिन इंटरेस्ट रेट पे इन बैंक्स को लोन देता है ना, उसे कहते हैं रेपो रेट। तो देखो, अगर ये कमर्शियल बैंक्स को ही RBI से महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो सिमिलरली कस्टमर्स को भी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। तो 2024 में यह प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो रेपो रेट है वो कम होगा, सारे सेंट्रल बैंक्स रेपो रेट कम करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो कमर्शियल बैंक्स है, अपने नॉर्मल बैंक्स, इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। और सिमिलरली अगर इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो ये हमें भी कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देंगे। इससे कंपनीज को फायदा होगा एंड स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट नीचे नहीं किया, डिक्रीज नहीं किया, और रेपो रेट अगर सेम रहा या फिर ऊपर गया, तो इसको स्टॉक मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा एंड स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। थर्ड है इन्फ्लेशन। हम है ना बहुत ही अनसर्टेन वर्ल्ड में रह रहे हैं। कभी पैंडेमिक आ जाता है, कभी वॉर हो जाता है, कंट्रीज के बीच में झगड़े हो जाते हैं, और भी कुछ होता ही रहता है। इससे क्या है ना, ट्रस्ट और सप्लाई चेन दोनों इफेक्ट होते हैं। अभी देखो, अभी रिसेंटली ही रेड सी में मर्चेंट शिप्स पे हमले हो रहे हैं, तो अभी इन मर्चेंट शिप्स को एक ऑल्टरनेट रूट दिखना पड़ रहा है जो लंबे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इससे क्या है ना, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और वो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ वन ऑफ द मेथड है, ऐसा बहुत कुछ होता रहता है दुनिया में जिससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती ही जा रही है, एंड इससे सबको इफेक्ट होता है, आपको, मुझे, कंपनीज को, कंट्रीज को, एंड स्टॉक मार्केट इसे नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। जो पहला वाला पॉइंट था इंटरेस्ट रेट कट, वो भी इससे ही इंटर रिलेटेड है। तो इन शॉर्ट, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, एल्स अगर इन्फ्लेशन हाथ से निकला तो मोए मोए। एंड फोर्थ, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर 2024 में स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा, वो है वॉर। अभी करेंटली दुनिया में बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन को 2 साल हो गए, इसराइल हमास को 6 महीने हो गए। इस साल प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि चाइना भी ताइवान पे अटैक करेगा, एंड जिसके वजह से यूएसए ताइवान के डिफेंस में आएगा होपफुली। तो इससे क्या है ना, दुनिया में वॉर का माहौल बन रहा है, और अगर ये वॉर्स एस्केलेट हुए तो थोड़े समय में जो कंट्रीज है वो स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सबसे प्राइमरी नीड सेफ्टी पे फोकस करेंगे, ड्यू टू विच स्टॉक मार्केट विल टेक अ बैक सीट। एंड अगर ये हुआ और अगर वॉर्स एस्केलेट हुए तो स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से और बहुत जोर से गिरेगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट स्टिल नीड्स टू बी कंसिडर्ड। सो ये चार रीजन्स है जिनके बेसिस पे मैंने स्टॉक मार्केट का आउटलुक निकाला।
अभी मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट अभी एक्साइटमेंट एंड थ्रिल मोड पे है। अभी इलेक्शन तक जून तक स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी माइट हिट 25,000, बट सेकंड हाफ में मुझे डाउट है कि स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देगा। मेरे अकॉर्डिंग 2024 में स्टॉक मार्केट अराउंड 5-8% रिटर्न देगा, एंड मतलब अगर फर्स्ट सिक्स मंथ्स में स्टॉक मार्केट 15-20% ऊपर गया तो सेकंड हाफ में स्टॉक मार्केट 10-15% नीचे आएगा। ये मेरा एनालिसिस है, तो अकॉर्डिंग टू मी इस साल स्टॉक मार्केट में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। बट मैं ये ब्रॉड मार्केट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक में आप फिर भी रिटर्न कमा सकते हो, एंड स्टॉक स्पेसिफिक में भी आई विल बी फोकसिंग ऑन वैल्यू स्टॉक्स एंड नॉट ऑन ग्रोथ स्टॉक्स। फर्क क्या ये वैल्यू एंड ग्रोथ में समझाता हूँ। ऐसे स्टॉक्स जो अभी गिरे हुए हैं, जिनकी जो अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, 20-30% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे, उन्हें हम कहते हैं वैल्यू स्टॉक, जो अभी एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरे है ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स वो है जिनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है, बट वो अभी हाई वैल्यूएशन पे हो सकते हैं, अपने ऑल टाइम हाई पे भी हो सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है वैल्यू स्टॉक्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स का। मैं वैल्यू स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करूंगा ये साल, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स मेरे अकॉर्डिंग काफी रन अप दे चुके हैं, वो सारे अभी ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं, तो इसलिए अभी उनमें इन्वेस्ट करना मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा रिटर्न्स देंगे, इसलिए मैं अभी वैल्यू स्टॉक्स की तरफ जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं खत्म करना चाहूंगा वीडियो एक लाइन से, बी कॉशियस बट नॉट फियरफुल। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप 2024 में अमीर बनना चाहते हो।